चैनल इस वीडियो के अंदर हम कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट एग्जाम की करेंगे. मैं आपको ये बताती हूँ क्यों बना रही हूँ तो मैंने जब कैट एग्जाम की तैयारी की थी ना मुझे पता ही नहीं था कि एम के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है क्योंकि मेरे फैमिली में किसी ने भी एम बी नहीं की हुई थी और ना ही मेरा कोई कॉलेज में ऐसा दोस्त या सीनियर था जिसको पता हो तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न क्या है सिलेबस क्या है कैसे तैयारी करते हैं दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस पड़े थे तो वो पूरा काम करने में को एक महीना लग गया था। so मैंने ये और कैसे इसकी तैयारी करनी होती है सबसे पहले हम कैट एग्जाम का ओवरव्यू समझ लेते हैं सो कैट इज दिग्गेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट दो से ढाई लाख लोग इस एग्जाम को लिखने जाते हैं लास्ट ईयर

जो एग्रीट मार्क्स है एट दी टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो मिनिमम अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो उस के फोर्टी फाइव परसेंट एंड दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास मिनिमम थ्री इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फोर की भी हो सकती है, है बट मिनिमम थ्री इस की होनी चाहिए. अब इसमें एक ये है कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप कैट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो यानी कि अगर आप ट्वेंटी ऑफ नवंबर को अपने फाइनल ईयर में हो तब आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता जरूरी नहीं है अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप किसी भी रिकग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो इन इंडिया देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस एग्जाम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो आपकी डिग्री ऑनलाइन है ऑफलाइन है आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो तो हमारी एलिजिबिलिटी भी कवर हो गई अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की सो so, इस एग्जाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ लास्ट ईयर वर और आपको जो टाइम अलॉट होता है टू सॉल्व दीज क्वेश्चन दैट इज टू आवर्स इसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको दो तरफ में डिवाइड किया जाता है पहले को बोलते हैं एमसीक्यू विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको ऑलमोस्ट चार ऑप्शन दिए जाते हैं and the second type is टी आई टी ए जिनको हम टीटा क्वेश्चन बोलते हैं है, जिसके अंदर आपको टाइप करना होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो चार ऑप्शन तो हो सकता है तो आपको वन टू जीरो टाइप करना होगा इन सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन का स्प्लिट इस तरह से ऑलमोस्ट फोर्टी एट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू और एटीन क्वेश्चन जो है वो टीटा टाइप के होते हैं अब समझते हैं इसकी मार्किंग स्कीम सो हर सही आंसर

सो so, पहले सेक्शन के लिए 40 मिनट्स दूसरे के लिए 40 मिनट्स तीसरे के लिए 40 मिनट्स जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले वीआरसी आएगा फिर डीएएलआर आएगा फिर क्वांट आएगा आप उनमें मूव नहीं कर सकते और ना ही आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो सो so, वीआरसी 40 मिनट के लिए पूरा कंप्लीट होगा डी एल आर आएगा एंड वो चालीस मिनट के बाद कंप्लीट होगा तभी कॉन्ट आएगा अब हम बात करेंगे इस एग्जाम के सिलेबस और डिफिकल्टी की सो ऑनेस्टली कैट एग्जाम का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हो ना तो वहां पर भी कुछ मेंशन नहीं है कि ये ये चैप्टर्स होते हैं बट जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि आपका जो टेंथ लेवल तक का मैथ होता है ना बेसिकली वही होता है बस उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ईजी मीडियम और डिफिकल्ट तीनों तरह के क्वेश्चन होते हैं बट इन जनरल कैट एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट डिफिकल्टी का माना जाता है आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई थी जिसके अंदर मैंने कैट एग्जाम का एक सिलेबस मैंशन किया था इसमें आपको एक तो सिलेबस मिल जाएगा और सेकेंड पेज के अंदर

जनरल एक साल के लिए की जाती है लोग इससे कम भी करते हैं इससे ज्यादा भी करते हैं बट ऑन एन एवरेज वन ईयर इज सफिशियंट इसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कुछ वीडियोस चाहिए होती हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए होते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ एंड तीसरा आपको मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं विच आर लाइक सैंपल पेपर्स लेकिन आप उनको ऑनलाइन सॉल्व करके देखते हो कि आप कितना हद तक कंफर्टेबल हो और आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन एक ऑप्शन जरूर होता है सो so, काफी लोग खुद से तैयारी करते हैं जिसमें वो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं टू कवर देयर कॉन्सेप्ट टू नो द क्वेश्चन एंड फाइनली वो मॉक्स लेते हैं या फिर के कुछ लोग कोचिंग लेते हैं जिसके अंदर मॉक्स वीडियो क्वेश्चन बैंक सब कुछ उनकी कोचिंग प्रोवाइड कर देती है अब यहां पे मैं आपको कि कि किसी भी आई कॉन्टा उनकी उनकी के, के साथ पार्टनर किया है क्योंकि लास्ट ईयर में काफी सारे टॉपर्स यहाँ से निकले हैं फॉर एग्जाम्पल गुरसिमरन आहूजा जिनके नाइन नाइन थी और वो आई अहमदाबाद गई है सिमिलरली ऋषि मित्तल जिनकी हंड्रेड थी और वो आई एम बैंगलोर गए हैं एंड अनंत जिनकी 99.9 नाइन आई थी और वो आई एम अहमदाबाद गए थे ये सारे के सारे आईकॉन्टा स्टूडेंट्स रह चुके हैं इनफैक्ट जो लास्ट ईयर का पेपर था कैट 2023 उसमें काफी सारे क्वेश्चंस के कैट कोर्स से आए थे तो आप स्टूडेंट्स के रिव्यू भी चेक कर सकते हो अबाउट दिस इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट जिसको मैं लिंक कर दूंगी इस पर इज एडिंग नॉन इंजीनियर कंसेप्चुअल इन कैट कोर्स विल बी लाइक अ समरी ऑफ टू इन अलाइनमेंट विद विदेबस आईकॉन्टा के पास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने ये भी शेयर किया

जो कि साढ़े बारह से ढाई बजे तक होता है एंड देन इवनिंग स्लॉट जो साढ़े चार से साढ़े छह बजे तक होता है आपको कौन सा स्लॉट मिलता है टोटली रैंडम, totally उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है तीनों एग्जाम्स के अंदर अलग अलग पेपर आते हैं लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर अलग पेपर आएगा तो हो सकता है दूसरे वाले स्लॉट का पेपर इजी हो इसके लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग सो बेसिकली जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो एक तो आपके टोटल मार्क्स आते हैं जो आपको मिले होंगे एंड देन उसको स्केल किया जाता है और नॉर्मलाइज किया जाता है जिसका मतलब यह है कि डिपेंडिंग अपॉन आपके स्लॉट में कितना डिफिकल्ट पेपर आया था उसके हिसाब से उसको बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है ताकि सारे के सारे स्लॉट्स के पेपर जो है वो एक लेवल पे माने जा पाएंगे इसके बाद आपकी आंसर की आती है जो कि एग्जाम डे से विद इन सेवन डेज में रिलीज हो जाती है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपके ऑलमोस्ट कितने मार्क्स आने वाले होंगे अब हम डिस्कस करते हैं कैट एग्जाम के रिजल्ट रिजल्ट और एडमिशन का प्रोसेस सो so, जो है वो जनरली डिसंबर की लास्ट वीक या जनवरी की फर्स्ट वीक में आ जाता है कुछ ऐसे कॉलेजेस है जैसे की आई एम्स जिनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको अलग से नहीं भरना पड़ता कैट का फॉर्म भरते समय आप टिक मार्क कर सकते हो कि आप कौन से आई एम्स प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहोगे और आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली उन आई में

डली हर कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू

CAT एग्जाम का जो रिजल्ट का स्कोर है वो टोटल वन ईयर के लिए वैलिड होता है for most B schools और आप जितनी बार बार चाहो उतनी अब हम आपके ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं यानी कि अगर आपका कैट अच्छा नहीं जाता तो कुछ ऐसे एम कॉलेजेस होते हैं जो कैट एग्जाम रिक्वायर नहीं करते वो सिंपली आपके प्रोफाइल के बेसिस पे ही इवेलुएट करते हैं उन्हें कैट एग्जाम चाहिए भी नहीं होता दूसरी चीज काफ़ी ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि कैट के अलावा भी आप दे सकते हो और ज़्यादातर कॉलेजेस उन एग्जाम्स को भी एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि जैट स्नैप आई इस साल नहीं हुआ बट आई भी एक एग्जाम होता है सिमिलरली आप सी मैट का एग्जाम दे सकते हो मैट का एग्जाम दे सकते हो फाइनल पॉइंट इज रिगार्डिंग क्वेरीज अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो देन जो कैट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर और ई मेल आई डी दी होती है जिसको आप रीच आउट कर सकते हो हर साल कैट एग्जाम अलग अलग आई एम्स कंडक्ट करते हैं जैसे कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वॉज कंडक्टेड बाई आई आई एम लखनऊ सो दिस इज इन डेप्थ अबाउट कैट एग्जाम एंड एवरीथिंग यू मे वॉन्ट टू नो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन आई ट्रूली होपो जो एक महीने में मैंने खुद देखा था आपको मैं वो कवर करके बता पाई हूं इन सिंपल शॉर्ट शॉर्ट तो नहीं थोड़ी लंबी बट आई ट्रूली होप दू थैंक यू सो मच वॉचिंग द स्का वेरी बेस्ट फॉर यर्नी